सैमसंग M35 5। देखो इस फोन के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के मुझे डाउट आए कि इस फोन को रिव्यू करो, आप लोगों ने कुछ मांगा हम ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। अनडाउटेडली अंडर 15,000 में वन ऑफ द बेस्ट फोन मैं बोल सकता हूँ कि ये बन जाता है। बहुत सारी चीजें इस फोन में है ना जो आपको जाननी चाहिए अगर इस फोन को लेने का सोच रहे हो। तो वीडियो के आखिर तक आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। मेक श्योर करना लास्ट तक वीडियो को देखना, तभी अपना डिसीजन बनाना, अदरवाइज भाई साहब आपको जो है नुकसान हो सकता है, वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सबसे पहले बात करें प्राइस एंड वेरियंट के बारे में। तीन वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, 6GB RAM 128GB वाला, 8GB RAM 128GB वाला। 6GB RAM वाला आपको यहाँ पर अप्रोक्स 15,000 के अंडर में देखने को मिल जाता है और 8GB RAM वाला आपको 16,000 तक मिलता है। एक और है 8GB RAM 256GB वाला, उसको मैं बोलूंगा आप अवॉइड कीजिए क्योंकि वो जिस रेंज में आ रहा है ना उस रेंज में और बेटर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है जिसमें इतना ज्यादा स्टोर करने के बाद ना थोड़ा लैग वगैरह की दिक्कत आने लगी। बट एनीवे कमिंग टू द मेन मुद्दा, सबसे पहले ना फोन के इन हैंड फील के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, फोन को जब फर्स्ट टाइम पकड़ोगे ना ऐसा लगेगा भाई साहब कुछ तो भारी भरकम चीज आपने पकड़ ली, क्योंकि फोन है ही इतना हैवी, 224 ग्राम इसका वेट मिल जाता है। और हैवी होने का कारण है इसमें आने वाली 6000 mAh की बैटरी, जिसके बारे में बताने वाला हूं, वो काफी यूजफुल है। लेकिन फोन यस बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, हैवी भी हो जाता है और दिखने में ऐसे बहुत प्रीमियम नहीं लगेगा। बैक भी आपको यहां पर मैट फिनिशिंग के साथ मिलती है, फ्रेम्स भी आपको मैट फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं और मोटे फ्रेम्स हैं आप जैसे कि देख सकते हो, और बैक में ना छोटी छोटी ऐसी लाइंस देखने को मिल जाती है, तो बहुत ही बोरिंग सा लुक मैं बोल सकता हूं, लेकिन एनीवे उसको हम कवर लगा के यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, कवर लगाओगे फोन ऑलरेडी मोटा है तो और ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन पसंद है, पतले फोन पसंद है, तो ये फोन बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। बट ऐसा जैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फोन बेंड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब मोटी बातचीत है यहाँ। और जैसा बिल्ड बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं, यहाँ पर IP रेटिंग भी देखने को नहीं मिलती, तो पानी से जितना हो सके बचा के रखिए। ऑल्दो जब रेटिंग होती है तब भी हम बोलते हैं बचा के रखिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है, बट कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं दिया है, क्योंकि इतना मोटा फोन है ना, हेडफोन जैक का गड्ढा ये दे सकते थे। इसके अलावा हैप्टिक्स आपको एवरेज मिल जाएंगे, इनको मैं बोलूंगा आप ऑफ करके ही रखिए, आपकी बैटरी एटलीस्ट सेव होगी। एंड इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, स्टिल आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो आधा एक सेकंड ले लेता है अनलॉक होने में, लेकिन फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। बट इसके अलावा स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाता है, साउंड क्वालिटी सुनाते हैं आपको। कितने लोगों को भूल भुलैया 1 ही सबसे बेस्ट लगती थी, वो भी अपनी हाजिरी दे सकते हैं, 2-3 में वो मजा नहीं आ रहा। सो साउंड क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आपको मिलता है, उसको गेमिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सो बिल्ड क्वालिटी मैं नहीं बोलूंगा इस फोन का बेस्ट पार्ट है, हैवी साइड में तो ये फोन आता ही है जो चीज मैंने आपको बताई, लेकिन फोन की बैक की सुंदरता से फ्रंट की सुंदरता काफी ज्यादा मिल जाती है आपको। यहाँ पर बड़ी फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, और हाँ इस बार पंच होल यूज किया गया, इससे पहले M34 में नॉच था तो उसको नॉच दिया है, और ये फ्लैट डिस्प्ले है। यहाँ पर HDR10+ को भी ये सपोर्ट करती है, और बहुत कम ऐसे ब्रांड होते हैं ना जो HDR का सपोर्ट भी देते हैं। इस चीज को चेक करने के लिए हमने जब नेटफ्लिक्स में HDR सर्टिफिकेशन देखा, वहां तो नहीं मिलता है, लेकिन Amazon Prime नेटफ्लिक्स में फुल HD कंटेंट चल जाता है, यूट्यूब में भी HDR वीडियो चलती है, लेकिन 4K HDR नहीं चलती है, उसको जैसे ही चलाओगे ये आ जाता है 480p पे दोबारा से, लेकिन 1440p HDR 60fps वीडियो धड़ल्ले से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड यहाँ पर काम चल जाएगा उससे। इसके अलावा ना काफी तगड़ी स्क्रीन प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की मिल जाती है, तो आपके स्क्रेचेस वगैरह लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा फ्लैट डिस्प्ले है तो अच्छा टेम्पर्ड ग्लास आपको मिल जाएगा, उसको आप लगवा लेना, क्योंकि दुर्घटनाएं बता के नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं ऐसे गलत फोन वाली दुर्घटना आपके साथ ना हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बोलने पे हम वीडियो ला रहे हैं, हमारे बोलने पे सब्सक्राइब और लाइक करना, बस इतना सा काम है। कोई गद्दारी नहीं करबे, करबो लड़बो सब्सक्राइब करबे। तो इसमें जितना हमने कंटेंट वगैरह देखा, अभी मैं 3 Body Problem वाली सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स में, अगर आपने नहीं देखी है मेक श्योर करना, जरूर से देखना, बिल्कुल दिमाग हिल जाएगा। तो उसमें जो है ना काफी डार्क सिनेरियोज भी हैं, काफी लाइट एनवायरनमेंट भी है, तो ओवरऑल आपको कलर्स वगैरह यहाँ पर काफी तगड़े मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स तगड़े मिलते हैं, डीप ब्लैक्स, हर चीज प्रॉपरली आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आपको बेजल्स में बोलूंगा नॉट द बेस्ट, आपको काफी बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अंडर 15,000 के हिसाब से काम चल जाएगा, डील ब्रेकर काइंड ऑफ इस रेंज में वो प्रॉब्लम नहीं बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1000 nits की हाई ब्राइटनेस मोड में ब्राइटनेस मिल जाती है, तो आउटडोर में भी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। पीक ब्राइटनेस के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आई डोंट नो कितना पीक ब्राइटनेस आता है, लेकिन उसके अलावा आई प्रोटेक्शन का यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है, इन लोगों ने ना वेबसाइट पे मेंशन किया ना कुछ किया, तो लो लाइट में मैं चेक करा तो यहाँ पर हल्के से फ्लिकरिंग के इश्यूज आ रहे थे। इसके अलावा 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलता है, और ये ऑलमोस्ट सभी एप्स में वर्क करता है, जैसे इंस्टाग्राम पे चलेगा, ट्विटर पे चलेगा, यूट्यूब पे चल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब 60 और 120Hz के
बीच में फ्लक्चुएट होता रहेगा। सो डिस्प्ले मैं बोलूंगा आपको तगड़ी मिल जाती है फॉर दिस प्राइस, और फोन ना फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। 13 5G के बैंड मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6, NFC भी यहाँ पर दिया गया है, तो अच्छी बात है, आप पेमेंट वगैरह भी इससे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी ऊपर में देखने को मिलता है। एंड जितना हमने स्पीड टेस्ट किया ना, 5G का सुपर स्पीड आ रही थी, इनफैक्ट डुअल 5G को भी ये सपोर्ट करता है, 4G प्लस भी हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन 5G प्लस यहाँ पर नहीं देखने को मिला। लेकिन Vivo 5G यहाँ पर आ रहा था, वो ऑप्शन भी आपको सेटिंग में मिल जाता है, बट अगेन कॉल करते टाइम ये Vivo LTE पे ही आ जाता है, तो कॉल करते टाइम 5G के स्पीड के मजे नहीं ले पाएंगे, कॉल कट होते ही 5G की स्पीड आपको मिलेगी। इसके अलावा कॉल करते टाइम मैसेज कोई दिक्कत नहीं आई, वॉइस फोकस मोड भी मिल जाता है, मतलब आपके बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल आउट हो जाएगी, ये अच्छा फीचर है। इसके अलावा यहाँ पर एक दिक्कत मैंने फेस करी कि प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर है ना, ये डेडिकेटेड यहाँ पर नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, कभी कभार आप कान के पास लगा रहे हो तो ये ब्लैक नहीं होगा, दूर ले जा रहे हो तो ब्लैक ही रहेगा। सो 10 में से 4-5 बार आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से कर सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। और सैमसंग का सबसे बेस्ट पार्ट आ जाता है इसका सॉफ्टवेयर। देखो One UI 6.1 बेस्ड ऑन Android 14 आपको देखने को मिल जाता है, और सबसे पहली चीज, 4 जनरेशन के आपको अपडेट मिलेंगे यहाँ पर, और 5 साल के सिक्योरिटी पैच मिलने वाले। अंडर 15,000 आई डोंट थिंक सो कोई ब्रांड इतने अपडेट्स आपको देने वाला है। और सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ ब्लूटूथ मिलते हैं, लेकिन सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, इनफैक्ट गूगल एप्स को भी आप डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐप ड्रॉअर में डिस्कवर का, तो यहाँ पर अननेसेसरी एड्स आते हैं, इसको भी आप सेटिंग में जाके यहाँ पर ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा एक विजेट मिल जाता है, ये फालतू था, इसको भी होम स्क्रीन से आप उड़ा दो। एंड लॉक स्क्रीन में शुरू में आपको ऐसे अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे जितनी बार पावर बटन दबाओगे, तो इसको भी आपको वॉलपेपर के अंदर जाके सर्विसेज में ऑफ कर देना है, नन कर देना है बेसिकली, तो कंजूरिंग वाली नन को पटक के फेल दो। सो इतना करने के बाद यू आर गुड टू गो, आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा, कोई भी फालतू चीजें देखने को नहीं मिलती है। एंड ओवरऑल सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, लुक्स वगैरह काफी मिनिमल देखने को मिल जाते हैं, कुछ आपको नेसेसरी यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी मिल जाते हैं, जैसे आपको डुअल मैसेंजर मिल जाता है, कुछ कुछ ऐप में ये वर्क करेगा, जैसे व्हाट्सएप में तो चल रहा है, तो व्हाट्सएप के 2 क्लोन आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ऐप लॉक चाहिए, डुअल ऐप के और एप्स को क्रिएट करना है, देन आप इनका सिक्योर फोल्डर यूज कर सकते हैं, ये टोटली एक अलग स्पेस बना देगा, उसमें जाने के लिए भी पासवर्ड डालना पड़ेगा, एंड होम स्क्रीन में जो ऐप है वो अलग रहेगा, जो इस फोल्डर के अंदर ऐप है वो अलग रहेगा। तो इस तरह से जुगाड़ से आप चला सकते हो। देन आपको यहाँ पर मिल जाता है नॉक सिक्योरिटी, हार्डवेयर लेवल पे प्रोटेक्शन, लेकिन गुड लॉक का सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ AI के फीचर जैसे फोटो कटआउट देखने को मिल जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट इरेजर आपको यहाँ पर मिल जाता है, हालांकि ये अच्छे से वर्क नहीं करता, आप देख सकते हैं बिल्डिंग प्रॉपरली इसने नहीं करी, 2-3 बार करने के बाद भी। लेकिन इसके अलावा फोटो रीमास्टर मिल जाता है, आपकी पुरानी फोटोज में थोड़ी सी जान और रे डाल देगा। एंड आपको बैकग्राउंड ब्लर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब डेप्थ इफेक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है किसी भी फोटो जिसमें फेस दिख रहा हो। बाकी सैमसंग के AI के फीचर यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पर बजट में आ रहा है ये फोन, और बजट में सारी चीजें दे देंगे तो महंगी मसाला कौन लेगा। लेकिन हम आपको महंगा मसाला बिल्कुल फ्री देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब, ठीक है, अपना प्रमोशन अपने चैनल पे चलते रहना चाहिए। सो इसके अलावा यहाँ पर एनिमेशंस आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, ऐप ओपन करने का, क्लोज करने का, ये चीज मैं सोचा था कि मिस हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि बजट में आ रहा है फोन, लेकिन प्रॉपर मिलते हैं, ऐप के बीच में स्विच करते हो वो भी प्रॉपर मिल जाता है। लेकिन यहाँ आप एक चीज नोटिस करोगे, 2-3 ऐप खोलने के बाद यहाँ पर थोड़े से स्टटर लैग वगैरह फेस करेंगे। देखो ये चीजें उन लोगों को दिखेगी जो बहुत ज्यादा हैवी यूसेज करते हैं, नॉर्मल यूजर को इस बजट के हिसाब से आपको चीजें सही मिलती है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि प्रोसेसर खराब है या ये चीजें नहीं होती है इस बजट में, तो थोड़े बहुत एनिमेशन में लैग देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी मेजर बग का इशू इसमें नहीं है जो मैटर करती है चीजें। लेकिन एक और चीज मैटर करती है, परफॉर्मेंस। आपको यहाँ पर जो है Exynos का 1380 चिप मिल जाता है, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, 5 nm पे बेस्ड ये प्रोसेसर है, तो थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, जब हमने इसके बेंचमार्क रन किया तो 6 लाख अप्रॉक्स के बेंचमार्क मिल जाते हैं N2 पे, कोई भी थ्रॉटलिंग का इशू नहीं था, Geekbench स्कोर्स भी अच्छे हैं, एंड रीड राइट स्पीड भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। अब ये रीड राइट स्पीड थोड़ी सी कम है UFS 2.2 के हिसाब से, इस चीज को चेक करने के लिए हमने ऐप ओपन क्लोज किया जल्दी जल्दी, तो वहां पर मैंने जैसे बताया थोड़ा हल्का सा एनिमेशन में लैग देखने को मिलेगा 3-4 ऐप खुलने के बाद, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं आती कि बहुत ज्यादा टाइम तक आपको वेट करना पड़ रहा है ऐप को क्लिक करके, वैसे दिक्कत नहीं आएगी। अब इस चीज को एक और मैं जरिए से समझाऊं कि UI कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज है। इसमें जो कैमरा ऐप है उसको भी हमने बहुत जल्दी जल्दी ओपन क्लोज करके देखा, मोटोरोला के फोन जवाब दे जाते हैं, लेकिन यहां पर ये अच्छे से वर्क कर रहा है। इनफैक्ट मैंने बैक टू बैक फोटोज खींची, आप देख सकते हो कितने जल्दी जल्दी जो है फोटोज को क्लिक कर रहा है और प्रोसेस भी कर रहा है। ऐसा नहीं है फोटो क्लिक करने के बाद हमें काफी टाइम वेट करना पड़ा, तो एक नॉर्मल यूजर के लिए ना कोई दिक्कत वाला सिनारियो नहीं है इस फोन में, तो मल्टीटास्किंग वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं। एंड रैम मैनेजमेंट भी हमने टेस्ट किया, 10 एप्स को इसने लकीली बैकग्राउंड में रखा था, ऑल्दो थोड़ा एनिमेशन में लैग मिल रहा था, लेकिन शॉकिंग था भाई कि 10 के 10 ऐप को इस बजट रेंज में ये रख रहा है। तो गेमिंग उसके बाद हमने टेस्ट करी, BGMI में आपको स्मूथ 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, HDR का ऑप्शन भी है वो भी 40 FPS तक, तो जितना हमने BGMI यहां पर परफॉर्मेंस देखा ना, जायरोस्कोप नॉट अप टू द मार्क, गेमिंग जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से प्रॉपर नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड जायरोस्कोप इस रेंज के हिसाब से
सही है और जो एवरेज FPS हमें देखने को मिले 45 टू 50 FPS के बीच में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अगर आप नॉर्मल TDM या क्लासिक मैच भी खेलते हैं तो। और फोन में ना लिटरली कोई भी हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिला, 39 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहा इसका टेम्परेचर इतनी गेमिंग करने के बाद भी। तो यस, आप कैजुअल टाइप की गेमिंग इसमें कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हायर नहीं रखनी है कि स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहे हो गेम भी कर रहे हो, वैसे उस चीज के लिए ये फोन नहीं बना है। उसके लिए बाकी फोन आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएंगे, सो मेक श्योर करना, जाके जरूर से एक बार लुकआउट करना। और भाई साहब गेमिंग जब शुरू करोगे ना खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट आ जाता है 6000 mAh की बैटरी। ये बैटरी इतनी ज्यादा है मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं स्टैट्स दिखाता हूं। ये देखिए 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम हमें इसमें मिला हैवी यूसेज में। इसमें 2 घंटे तक मैंने गेमिंग करी है, 6 घंटे तक मैंने यहां पर प्राइम वीडियो में बिल्कुल जूस पिला दीजिए मोसंबी का वो वाली वीडियो देखी, 1 घंटे YouTube चला, स्टिल आप देख सकते हो बैटरी बची हुई है। तो इनसेन बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीजें ना पेरेंट्स के बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि उनको चाहिए भाई साहब एक बार चार्ज कर दे उसके बाद चलते रहे, तो 1.5-2 दिन आराम से चलेगा उनके यूसेज के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करते। और 5G में आइडल ड्रेन का भी कोई इशू नहीं है, 97 से जस्ट 95% हुआ था। तो ओवरऑल बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक दिक्कत है चार्जर अलग से लेना पड़ेगा, इन द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा। और 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, सो 25 वॉट के चार्जर से 80 मिनट में 90% तक चार्ज होता है, लेकिन 90 से 100% होने में थोड़ा और 30 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। तो फुल चार्ज होने में इसको अप्रॉक्स 2 घंटे लग जाते हैं या पकड़ के चल सकते, जो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बैटरी बैकअप इतना है कि चार्ज करने का ज्यादा मौका नहीं मिले। बाकी होपफुली सैमसंग वालों जल्दी से थोड़ा और फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर सपोर्ट। नाउ एक और मुद्दा आ जाता है, 15,000 के अंडर में ना कैमरा से एक्सपेक्टेशन खत्म ही हो जाती है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कैमरा सेंसर्स आपको तगड़े मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का OIS है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट में भी आपको 13 मेगापिक्सल का शूटर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन आपको देखने को मिल जाती है, डिटेलिंग यहाँ पर काफी तगड़ी मिलेगी, HDR को भी ये बैलेंस कर लेता है नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, यूजुअली ये चीजें देखने को मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी प्रिसाइज कर लेता है। जैसे ये ग्रुप फोटो में देखिए दोनों के जो है बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर किया और फेस को भी ऐसा नहीं है कि ब्लर कर दिया, दूसरे जो है ना 20-25 हज़ार के रेंज वाले फोन भी पीछे वाले को ब्लर कर देते हैं। तो फ्रंट कैमरा प्रॉपर है, जस्ट एक चीज मैंने देखी कि लो लाइट में फ्रंट कैमरा से थोड़ा एक्स्ट्रा वाइट कर देता है फेस, लेकिन उसके अलावा बाकी सब ठीक है। अगर बात करें बैक कैमरा से, यहां पर भी आपको काफी नेचुरल स्किन टोन देखने को मिल जाता है, डिटेलिंग यहां पर भी अच्छी मिल जाती है, और मेन कैमरा से आप 2x तक फोटो क्लिक कर सकते हो जिसमें डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाएगी, HDR को भी ये बैलेंस कर लेता है दोनों में ही, 1x एंड 2x में, और मैक्सिमम जूम आप 10x तक कर सकते हो जिसमें ठीक ठाक डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर 2x का ऑप्शन नहीं मिलता है और यहाँ पर भी आपको नेचुरल स्किन टोन देखने को मिल जाती है, HDR ये बैलेंस कर लेता है अच्छे से, लेकिन कभी कभी ये HDR बैलेंस करने के चक्कर में पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सा डार्क कर देता है फोटोज को, तो ये 5 में से 2 फोटो जैसी आ सकती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अल्ट्रा वाइड आपको ओके एवरेज मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल के हिसाब से, और नाइट मोड में भी यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करता है कि लाइट को प्रॉपरली कैप्चर करने में। तो ओवरऑल फोटोज वाला डिपार्टमेंट इस रेंज के हिसाब से मैं बोलूंगा दिक्कत नहीं है, जो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना वो चीजें बाकी ब्रांड तो बिल्कुल खत्म ही देते हैं, मेन सेंसर में भी इतनी तगड़ी नहीं देते हैं। और एक और चीज और इंटरेस्टिंग बना देती है इस फोन को, वो है इसका आने वाला वीडियोग्राफी का सपोर्ट। 4K 30 FPS बैक और फ्रंट दोनों से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेबिलाईजेशन के साथ, सो कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी मिल जाएगी, साइड बाय साइड हम दिखा रहे हैं, तो स्टेबल वीडियो भी आ रही है, क्वालिटी डिटेलिंग भी अच्छी मिल जाती है, और 15,000 के अंडर में ये चीजें मिल रही है ना तो डेफिनेटली वर्थ इट है मैं बोलूंगा। बाकी अल्ट्रा वाइड से भी फुल HD 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें एवरेज डिटेलिंग मिलेगी, काफी मिसिंग लगती है। सो ओवरऑल कैमरा वाले डिपार्टमेंट में ये बोलूंगा ना आपको इस रेंज के हिसाब से बेस्ट कैमरा मिल जाता है इस फोन, अब चाहे वो फोटोज हो या वीडियो वाला डिपार्टमेंट। सो इस दुनिया भर की बातें हो गई, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, सैमसंग M35 क्या बेस्ट फोन है 2024 का अंडर 15,000? तो ये टैग मैं डेफिनेटली इसको दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ना फोन ओवरऑल एक वेल पैक्ड फोन बन जाता है, अच्छे ब्रांड की तरफ से भी है, बैटरी परफॉर्मेंस डिस्प्ले हर चीज आपको प्रॉपरली मिल जाती है। जस्ट तनी एक चीज में मुझे दिक्कत लगी, हल्का सा मोटा है फोन, अगर मोटे फोन से काम चल जाता है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, इसको टेडी बनाओ अपना बिल्कुल। सो फुल ऑन पैसा वसूल ये फोन बन जाता है, हमारी तरफ से पूरी पूरी हाँ है, इसे डायरेक्टली रशिया लेके जाएंगे, ओन द्रॉस 3 मसाज, बाकी हम भी रशिया जाएं मसाज करें, उसके लिए आपको क्या करना है चैनल सब्सक्राइब करना है, होपफुली वीडियो पसंद भी आई होगी तो लाइक भी कर सकते हो, हम मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग दास पार्ट वीडियो साथ, टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। चलो आपका रशिया का सफर शुरू होता है यहां से।